केसीसीबी के पूर्व चेयरमैन रसिल सिंह मनकोटिया ने केसीसीबी के वर्तमान कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रसिल सिंह मनकोटिया ने पिछले 4 सालों में बैंक में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है। मनकोटिया ने बैंक में भर्तियों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और कई ब्रांचों में फजूल एटीएम लगाए जाने का आरोप लगाया है। रसिल सिंह मनकोटिया ने बैंक के वर्तमान चेयरमैन जगदीश सिपहिया के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें अपने चहेतों को लोन देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि गत दिनों हमीरपुर में हुई स्कीमों की लॉन्चिंग भी मात्र सोसा क्योंकि ये स्कीमें काफी समय से चल रही हैं। रसिल सिंह मनकोटिया ने कहा कि धूमल सरकार के समय में कोई फजूल खर्ची नहीं की गई थी लेकिन आज के समय में बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और करोड़ों रूपए के लाभ अपने चहेतों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने सिपहिया से आग्रह किया कि बैंक के भले के लिए लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं क्योंकि बाहरी लोगों को भी लोन दिया जा रहा है और बैंक भर्ती में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 4 वर्षों में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और गलत प्रबंधन के कारण सुर्खियों में रहा है, वहीं पर इन 4 सालों में इस बैंक ने फजूल खर्ची के मामले में सारी हदें आज तक की पार कर दी है, जिनमें इन 4 वर्षों में लगातार विदेशी टूर, लगातार नई नई गाड़ियां खरीदना और मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों रुपए का देना, जिसके कारण बैंक में बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है। जहां छोटी छोटी ब्रांचों में एटीएम का भार, छोटी छोटी ब्रांचों में दो दो नोट अकाउंटिंग की मशीनें दे देना कहां तक का तरसंगत है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिस ब्रांच में मात्र 2 से 4 वाउचर पड़ते हों वहां पर एटीएम लगा देना और उस एटीएम का जो खर्चा है वो भी उस ब्रांच पर पड़ रहा है। और अब एटीएम जहां लगाया गया है वहां पर ये गार्ड रखने की तैयारी हो रही है और जो ब्रांचों में जहां मात्र 5 से 7 ग्राहक आते हों वहां पर दो दो नई नई अकाउंटिंग मशीनें दे देना कहां का न्याय संगत है, क्योंकि पहले नोट अकाउंटिंग मशीन 1,85,000 रुपए की दी गई, अब 15,000 रुपए की और नई मशीन दे दी गई जबकि वो लगातार खराब रही है, रह रही है। इसके अतिरिक्त जो ऋण पिछले दिनों एक ऋण स्कीमें यहां पर लॉन्च की गई, इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऋण स्कीमों की बात अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं ये ऋण स्कीमें बैंक में 1990 से ही लागू है, फिर भी इनको नए सिरे से लॉन्च करना है तो अच्छा होता कि उस सेमिनार में व्यापारी भाई, उद्योगपति भाई या अन्य ऋणदाता बुलाए जाते ताकि उन लोगों को स्कीम के बारे में बताया जाता है। वहां पर तो मात्र बैंक के प्रबंधक बुलाए गए, उन्हें टोपियां, उन्हें भोजन खिलाया गया और लाखों रुपए का वहां पर जो है वो खर्चा किया गया है। ये बैंक के लिए बहुत ही हानि वाली बात है, इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जहां छोटी ब्रांचें हैं वहां पर ऐसे खर्चे ना डाले जाएं जिसके कारण बैंक जो है वो घाटे में चले।